तो व्हाट्सअप दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज सुबह टाइम ही नहीं मिला और शाम तक अभी टाइम मिला है मेरे को, और चंदन तो कबूतर खिला दिया है, बट लेकिन शाम को सोचे वीडियो बना लेते हैं कबूतर खिला के, तो कबूतर ओपन करते। एकदम रत्ती भर टाइम नहीं था इसलिए हम सुबह नहीं खोल पाए, नहीं तो 5 मिनट का भी टाइम रहता तो हम खोल दिए। तो कबूतर ओपन करते हैं दोस्तों। दोस्तों कबूतर ओपन करते हैं। ले 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 तो दोस्तों लग रहा है एक पेयर को बंद नहीं किया था, उसका जोड़ा लग गया, लेकिन तो अभी बंद करना जरूरी है अभी, और बाकी सब अभी लग रहा है बंद है। ये देखिए इसका दोस्तों, सारे कबूतर निकल रहे हैं। तो लग रहा था एक पेयर को बंद नहीं किया है, उसका पेयर लग गया, बट लेकिन जो खाना होता है उसको बुक करना है उसको, और दो तो हैं तो उनको ओपन करते हैं, एक पेयर को और ओपन करते हैं। दोस्तों इनको थोड़ा दाना डाल देते हैं, फिर ये दाना खा लेंगे तब इनको खोलेंगे। मुर्गा को भी दाना डालना ही है, इसको डाल देते हैं दाना थोड़ा। ले और इनको भी दाना डालना है। ले 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 ले। तो दोस्तों सारे कबूतर को दाना डाल दिए हैं अपना, दो कबूतर पेयर जो बंद है उनको छोड़े हुए हैं, ताकि जब एक पेयर खा लेगा तो उसको खोल देंगे। नीचे वाले पेयर को खोल देते हैं, वो ठीक है उसको खोल देते हैं। तो एक ये निकल गया पता नहीं किधर से, और एक को और निकालते हैं। तो सारे पेयर ओपन हो चुके हैं एक पेयर को छोड़कर, तब तक ये दाना खाते हैं, फिर जब ये खा लेंगे इनको बंद करके उनको खोल देंगे। तो जब तक खाते हैं खाने दीजिए। तो दोस्तों लगभग लगभग दाना खा लिए हैं कबूतर, और ये कबूतरी है जो देखिए ये अंडा देने वाली है, 2-3 दिन में अंडा दे देगी। जो अंडा देगी उसको चेंज कर देंगे, जाएंगे उस्ताद यहाँ से अंडा लाएंगे और चेंज कर देंगे। इसका बच्चा तो कराना नहीं है, और अच्छे कबूतर का बच्चा निकाल के करा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक कबूतर आके बैठा हुआ है, देखते हैं आता है या नहीं आता है। गजरा है, और ये अपने कबूतर खुले हुए हैं यहाँ पे यहाँ पे, तो इनको दाना डाल के देखते हैं आता है या नहीं आता वो। ले ले तो दोस्तों कबूतर को दाना डाल दिया गया है, देखा जाए वो आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों उड़ के जाके देखिए उधर बैठ गया, ये यहाँ पे बैठ गया, फिर उड़ा दोस्तों। ये लग रहा है इसी का कबूतर है क्या। तो दोस्तों ये फिर से आकर बैठ गया है, ये उसी कबूतर बाज का है कबूतर, वहाँ पे बंदर चला गया था लग रहा है इसलिए ये उड़ गया है। तो ये तो उम्मीद है, उम्मीद कम है कि आएगा, वो आएगा नहीं, वो डर से बंदर के डर से वह आकर वहाँ पे बैठ गया है, उम्मीद कम है कि वो आए। तो दोस्तों जो कबूतर खोलना तो उसको खोल देते हैं, और जिसको बंद करना था बंद कर देते हैं। दोस्तों जो जो पेयर को बंद करना है उसको बंद करते हैं पहले। सारे के सारे चले गए हैं, वो जो पेयर को बंद करना है वो दो सारे पेयर चले गए हैं, उनको बंद करते हैं, फिर इन दोनों पेयर को खोलते हैं। दोस्तों एक पेयर यहाँ पे बंद कर दिए हैं, और एक वहाँ पे, और इसको भी बंद करना है, इसकी मादन उसी में, उसको भी बंद कर देते हैं। उनका भी पेयर लग गया, और इनको खोलना है, तो वो भी बंद हो गया, और इसको ओपन कर देते हैं। अब ये भी अपना आके खा लेंगे। तो दोस्तों दोनों ये देखिए दाना खा रहे हैं, अपना खा लेंगे, और जो खा लिए वो तो घूम रहे हैं अपना ऊपर नीचे। पेयर बंद करना इसलिए पड़ता है कि जैसे दो पेयर का पहले से पेयर था, उनका तोड़ रहे हैं और इसके साथ बनाना है, इसलिए उनको बंद करना है, इनको खोलना है, नहीं तो
फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, दोनों साथ में देख लेंगे फिर पेयर लग ही जाता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। दो चार दिन दिक्कत होगा फिर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और हमें इनका बच्चा तो ज़रूरी करवाना है, आपको दिखाते हैं। ये दोनों का बच्चा, ये मादिन है और ये नर है, ये लाल झावला, इनका बच्चा ज़रूर हमें चाहिए। इन दोनों से जोड़ा लगा कर बच्चा करवाना है ये दोनों का। और ये गर्मी में इन दोनों को उड़ाएंगे नहीं इस बार, क्योंकि ये तो उड़ा हुआ है 6 घंटा और ये 5 घंटा उड़ी हुई है फुल गर्मी में, तो इसलिए इन दोनों का उड़ाना नहीं है इस गर्मी में। ये उड़ेंगे नहीं बच्चे, अब जितने अगर हो जाएंगे उनको उड़ाना रहेगा अब अगले ही गर्मी जो भी रहेगा उसमें। और दोस्तों इसी मादिन का ये वाला बच्चा है, 6.5 घंटा उड़ के आया पिछली बार गर्मी में, और इसका भी बच्चा निकला हुआ है। और दोस्तों कबूतर मिट्टी ज़्यादा खाते हैं, मिट्टी खाने से इनका पाचन क्रिया सही रहता है और अंडा वगैरह देना रहता है तो भी मिट्टी खाते हैं। दोस्तों आप लोग को सैड न्यूज बताता हूँ, क्योंकि आज जो कल बच्चा बीमार था आज वो मर गया था, क्योंकि चंदन सुबह आया था खोलने के लिए तो वो अभी फ़ोन किया था कि वो बच्चा मर गया था, फेंक वो ले जाकर फेंक दिया है उधर, तो बहुत सैड न्यूज़ है। उसका एक बच्चा निकला हुआ है बड़ा, और ये भी सोच रहे थे कि हो जाता तो 2 बच्चे हो जाते, गर्मी में उड़ा कर देख लेते कि कैसे उड़ते हैं वो। अब वो दिखाते हैं उसका भाई जो है, तो दोस्तों इसी का वो भाई था जो मर गया है, देखते हैं कैसा उड़ता है ये। और इसके बाप, ये बाप है, इसके बाप ये है और इसकी माँ वो है, ये सफ़ेद जो है चीनी, ये इन्हीं दोनों का वो बच्चा है और जो मर गया वो था। वो हमें लगता है बहुत अच्छा उड़ेंगे सब, लेकिन क्या करना है जब मर गया तो। एक बार उसका वो लग रहा है कुछ हो गया था, दवा ववा डाले थे, क्या करें। तो दोस्तों लग रहा है लगभग सारे कबूतर खा लिए हैं। अब इनको करना है बंद, 5-10 मिनट और खोल देते हैं फिर इनको कर देंगे बंद। और दोस्तों इस गर्मी में देखना ये कैसा उड़ता है, ये झावला है जो, ये बाप है और ये बच्चा है उसका, देखते हैं ये दोनों कैसे उड़ते हैं, क्योंकि देखने में तो बहुत शानदार। ये पकड़ा हुआ है और वो इसी का बच्चा करवाया गया है। ये गर्मी में उड़ के एक गढ़े में गिर गया था तो एक लड़का पकड़ के दिया था। तो जो झाला दिखा रहे थे वो गर्मी में ज़्यादा उड़ के पानी, जैसे गढ़ई था गढ़ई टाइप पे, उसी पे पानी पी रहा था, तो वो एक लड़का पकड़ के उसको दिया है, तो देखा जाएगा कैसा उड़ते हैं सर वो दोनों। दोस्तों सारे कबूतर खा लिए और करते हैं इनको बंद। ये जो पट्टे हैं इनको यही परेशान करते हैं, इनको ही बंद करने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो वैसे दाना वगैरह खा लिए हैं, जल्दी उम्मीद है कि जल्दी बंद हो जाए। तो दोस्तों सारे कबूतर हो गए हैं बंद। तो दोस्तों इनको इनका पेयर भी लगाना है 2 कबूतरों का। ये देखिए लड़ रहा है ऊपर जाकर, जबकि इसका खाना नीचे वाला है। तो दोस्तों इसको पकड़ते हैं और इसके खाने में डाल देते हैं। ये इसका खाना है और इसकी मादिन का है दोस्तों, इसकी मादिन ये है, इसको उसमें रख छोड़ते हैं। ये इसकी मादिन दोस्तों, जल्दी जोड़ा लग जाएगा दोस्तों, देखिए लगभग जोड़ा लग चुका है, देखिए 1 से 2 दिन और लगेगा इनका जोड़ा लग जाएगा। इनको बंद कर दिए हैं दोस्तों, कल इनको आधा घंटा तक इन्हीं दोनों को बस बाहर निकाल कर छोड़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कबूतर कर दिए हैं बंद।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।